चैनपुर राजागढ़ में स्थित ठाकुर बारी मंदिर काफी पुरानी है और इस मंदिर में हर वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कई तरह के आयोजन होते हैं। ठाकुर बारी मंदिर में भगवान राम सीता दरबार, राधा कृष्ण दरबार और शिव शिवालय स्थित है। ये वही जो हम लोग के जगन्नाथ स्वामी का वही 1831 के लगभग में स्थापना हुई थी। ये पहले थोड़ा छोटा स्वरूप था, बाद में धीरे धीरे कालांतर में इसका विस्तार हुआ, बड़ा बना जब हमें राज्य की उपाधि मिली, एक रियासत की उपाधि मिली, तो इसका विस्तार हुआ ठाकुर बाड़ी। और इस ठाकुर बाड़ी में मुख्य रूप से हमारे जो क्लैन के, जो हमारे डायनेस्टी के जो कुल देवता हैं, उनका नरसिंह भगवान के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक बार इनको स्वप्न आया था, तो जो 15 दिन जो जगन्नाथ स्वामी की पूरी से इनका प्रसाद यहाँ पे आता था, तो उस साल से रघुवर दयाल सिंह जी के टाइम से यहाँ पे ये मंदिर के जगन्नाथ स्वामी का हुआ, मंदिर का स्थापना हुआ था। और उसी के साथ साथ में यहाँ पे एक कृष्ण दरबार है और फिर आपको आगे में राम दरबार है। तो हमारे चैनपुर गढ़ में ये दो चार पांच आयोजन जो हैं जो मुख्य रूप से होते हैं यहाँ पे, एक तो रथ यात्रा हुआ जो कि जगन्नाथ स्वामी का ही होता है, जन्माष्टमी में कृष्ण जी का होता है, रामनवमी में राम जी का होता है, और शिवालय में जो दोनों महाशिवरात्रि और जो सावन के जो महीने होते हैं उसमें उनकी पूजा होती है। फिर एक मंदिर है हम लोगों का, ये दुर्गा का है, काली माँ का है, जो कि भगलामुखी रूप में यहाँ पे स्थापित है। उनके यहाँ पे कोई नवरात्र के दोनों हमारे जो पूजा होते हैं वो आयोजन होते हैं, और पुजारी हैं यहाँ पे, पुजारी तीनों टाइम का लगता है यहाँ पे। झूलन झूलन में क्या क्या होता है, क्या में होता है थोड़ा भजन कीर्तन वगैरह होता है, मोहन भोग लगता है यहाँ पे, और भजन कीर्तन होता है, झूलन लगता है, झूला में आके सब कहाँ कहाँ श्रद्धालु आते हैं? अगल बगल के गांव के लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, यहाँ पे भी पूजा अर्चना होती रहती है। हमारी जमींदारी के वेस्टिंग हो रहे थे, जब जमींदारी उन्मूलन की बात हो रही थी, तो उस समय में 1946 में एक ट्रस्ट का, हमारे आखिरी जो यहाँ मेरे दादाजी जो हुए वो आखिरी राजा हुए, और उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी, उन्होंने बनाया था, जिसमें 5 गांव दिए थे, जिसमें आपको चियाकी है, गनके है, लालगढ़ बिहार है, कंकारी है, रक्षी है, तो इसमें काफ़ी थे ये 5 मौजा उन्होंने मंदिर के नाम पे किया था। जिसके रकबा कितना लेकिन होगा? अभी इसका हम लोग का लीगल बैटल चल रहा है कोर्ट में, और अभी तक तो हम लोग जितने भी आयोजन होते हैं वो अपने पर्सनल पॉकेट से कर रहे हैं, और मंदिर का जब आ जाएगा इनका नाम से, तो फिर उसके हिसाब से ही गांव थे 16 आना, गांव में जितना भी रकबा आ रहा होगा वो होगा, खाता 1 2 और उस समय के गैर मजरूआ मालिक के जो भी होते थे, जो रकबा होगा इन 5ों गांव में होंगे।